बुधवार को सिंगरौली पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा, उप पुलिस महानिरीक्षक अनिल सिंह कुशवा के द्वारा समीक्षा की गई। वहीं लंबे अवधि से लंबित अपराध मार्ग कायम शिकायतों के निराकरण नहीं करने वाले थाना प्रभारियों को शीघ्र निराकरण किए जाने के लिए हिदायत दी गई। आगामी त्यौहार को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, नगर पुलिस अधीक्षक देवेश कुमार पाठक, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिंगरौली राजू पाठक, नाथ सिंह बघेल चितरंगी, एसडीओपी देवसर प्रियंका पांडे, डीएसपी अजाक रितेश कुमार एवं जिले के समस्त थाना प्रभारी सहित रक्षित निरीक्षक आशीष तिवारी, अरुण पांडे कोतवाली, राघवेंद्र द्विवेदी विद्यानगर यूपी सीएम, नवनगर दीपेंद्र सिंह यातायात, मनीष त्रिपाठी मोरवा, नागेंद्र सिंह बरगांव, रावेंद्र द्विवेदी माड़ा, डीएन राज चितरंगी, संतोष तिवारी सराई, नेहरू खंडाते जयवान, उदय करियार लंगडोल, बी पांड्या गढ़वा थाना प्रभारी व समस्त चौकी प्रभारी उपस्थित रहे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सिंगरौली से अयोध्या प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।